सिद्ध देवीधाम मंदिर सलकनपुर में हुई चोरी की बड़ी वारदात के मामले में पुलिस ने किया है बड़ा खुलासा। पुलिस के हाथ लगी बड़ी कामयाबी। दरअसल आपको पता ही है कि सलकनपुर धाम देवी मंदिर में चोरों ने बेखौफ होकर बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। 3 जिलों की पुलिस ट्रेस करने में लगी हुई थी, अपराधियों को पकड़ने के लिए लग गई थी, तब कहीं जाकर अब जो है आरोपी वो गिरफ्त में आ चुके हैं। सलकनपुर देवी मंदिर में ये वारदात हुई थी चोरी की, अब आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल 2 आरोपी सीहोर पुलिस ने गिरफ्तार किए हैं जो कि नर्मदापुरम के रहने वाले बताए जा रहे हैं। और बड़ा खुलासा हुआ है कि किस तरीके से इन्होंने बेखौफ होकर मंदिर में घुसकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया और क्या प्लान बनाया था। दरअसल पता ये चला इस पूरी घटना के बाद पुलिस हरकत में आई थी और मुखबिर तंत्र को सक्रिय किया गया था। उसके बाद पुलिस को पता चला कि स्थानीय निवासी जो सलकनपुर स्थान के पास के रहने वाले राहुल राठौर के यहाँ ये लोग रुके हुए थे, यहाँ पर रुकने के बाद वारदात करने गए। पुलिस को जानकारी मिली तब कहीं जाकर ये आरोपी गिरफ्त में आए। जिले के एसपी बता रहे हैं किस तरीके से पुलिस ने साक्ष्य जुटाए और आरोपी गिरफ्त में आए। यहाँ 15 नवंबर को चोरी की घटना कारित हुई थी मंदिर में, इसके बाद मुखबिर तंत्र सक्रिय किया गया था, साथ ही जो भी तकनीकी साक्ष्य है उनका विश्लेषण किया गया था, जिस पर से लगातार पुलिस टीमें सक्रिय थी। इसको देखते हुए ये सूचना हमें प्राप्त हुई थी कि राहुल राठौर के घर पे कुछ बाहरी लोग का आना हुआ है। इस दौरान उनसे हिकमत अमली से पूछताछ करने पर एवं मुखबिर तंत्र सक्रिय करने पर, तकनीकी साक्ष्यों का अन्वेषण करने पर ये जानकारी प्राप्त हुई कि इनके द्वारा ये घटना कारित की गई है। इनके द्वारा पूछताछ करने पर और इनके मूवमेंट को ट्रैक करने पर जंगल में बोरियां, जो चोरी की बोरियां हैं उनको छुपाए जाने का जानकारी प्राप्त हुई। इनकी निशानदेही पर जंगल में से अभी तक 2 बोरियां हमने जो चढ़ावे से भरी हुई नोटों से भरी हुई जब्त कर ली हैं। लगातार जंगल की सर्चिंग जारी है। दुर्गम एवं काफ़ी विस्तृत क्षेत्रफल होने के कारण जंगल में लगातार सर्चिंग चल रही है, इसमें हम सहयोग ले रहे हैं सभी का, और आगे भी जो अन्य इसमें संभावित आरोपी हैं उनके लिए भी तलाश जारी है एवं जो भी शेष मच चुका है वो जल्दी हम उसको बताएं। तो एसपी जो है जानकारी दे रहे हैं कि इस तरीके से कैसे गिरफ्त में आए हैं ये आरोपी। और आपको ये भी बता दूं कि जो चढ़ावे की राशि थी वो बोरियों में भरकर जिस तरीके से ये चोर ले गए थे जंगल से, वो 2 बोरियां, नोटों से भरी बोरियां भी बरामद कर ली गई है आरोपियों की निशानदेही पर। पुलिस ये भी दावा कर रही है कि खुलासा जब और होगा तो और भी लोग जो है इस वारदात में शामिल होना पाए जा सकते हैं, इस बात को पुलिस कह रही है। साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि पूछताछ जब की जाएगी आगे और तो और भी खुलासा हो सकता है। आपको बता दें कि इस पूरी वारदात के बाद सिद्ध स्थान है सलकनपुर देवीधाम, यहाँ पर वारदात के बाद कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठे थे, लेकिन पुलिस ने 3 जिलों की पुलिस जैसा मैं आपको बता दूँ ट्रेस कर रही थी पूरे मामले को लेकर अपराधियों को, आखिरकार पुलिस के हाथ कामयाबी लग गई और जो मुखबिर तंत्र था उसने सूचना दी थी पुलिस को इस पूरे मामले को लेकर कि आखिर कैसे जो अपराधी हैं वो पहले सलकनपुर में आकर किसी स्थानीय व्यक्ति से मिले, इन लोगों की बातचीत पाई गई पुलिस की लिंक में, और पुलिस ने जब उसके आधार पर सबूत जुटाना शुरू किए तब कहीं जाकर कड़ी से कड़ी जुड़ती गई और ये जो आरोपी हैं वो पुलिस की गिरफ्त में आ गए। बड़ी चोरी की वारदात हुई थी, उसके बाद पुलिस ने लगातार जिस तरीके से सक्रिय रहकर अपनी टीम के जरिए इनको पकड़ा है तो ये वारदात का खुलासा हुआ है। सीहोर से आप तक एक बार पहुंचाई मैं समाचार नवेद जाफरी ने आप देख रहे हैं।